YouTube की मतलब पॉलिसीज के बारे में कभी आपने सोचा है कि क्यों YouTube ने ये पॉलिसीज बनाई, क्या जरूरत पेश आई कि उसने ये करी, YouTube ने ये पॉलिसीज बनाई, कभी आपने सोचा है? कम्युनिटी गाइडलाइंस, कॉपीराइट और एडवर्टीजमेंट, YouTube पार्टनर प्रोग्राम, इनमें क्या फर्क है? क्या आपकी लड़ाई की वीडियो कभी आपने डिलीट की हो या यूट्यूब ने डिलीट करवा दी हो? आज हम बात करेंगे यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में, जो यूट्यूब ने रिसेंटली अपनी नई पॉलिसीज तब्दीली की है। अगर आप नए क्रिएटर हैं, नए यूट्यूबर हैं, नए व्लॉगर हैं, थोड़ा आप यूट्यूब से पैसा भी कमा सकते हैं, तो आपको इन तब्दीलियों के बारे में जानना जरूरी है। इन तब्दीलियों के बेसिकली YouTube ने बना दिए हैं सेट, पहला सेट जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस का, दूसरा कॉपीराइट का, तीसरा एडवर्टीजमेंट और YouTube पार्टनर प्रोग्राम्स। आज की इस वीडियो में मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की पॉलिसीज पर बात करूँगा, जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी गाइडलाइंस बेसिकली ऐसे ज़्यादा आपकी आती हैं कि आप अगर कोई वायलेंस तशद्दुद वाली वीडियोस लगा रहे हैं या आप तशद्दुद दूसरों को परेशानी में ऐसी वीडियोस शामिल हैं जिनमें कोई तशद्दुद, कोई ऐसी वीडियो जिससे दूसरों परेशान हो, YouTube की कम्युनिटी जिसे इफेक्ट हो, ऐसी वीडियोस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ जाती है। पहले तो YouTube इस पर वार्निंग देता है, उसके बाद फिर आपको अगर कंटिन्यूसली आप लगाते हैं और उस पर वार्निंग की बजाय फिर आपको स्ट्राइक्स आती हैं। स्ट्राइक्स आप की स्ट्राइक्स का भी पूरा प्रोसीजर है। एक स्ट्राइक जो है वो आपकी 90 दिन तक रहती है। अगर आपकी इस 90 दिन के दौरान 3 स्ट्राइक्स एक साथ आ जाएं, 90 दिनों के दौरान 3 स्ट्राइक और आ जाएं, तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर आप टर्मिनेशन से बचने जाते हैं तो अपने वीडियो को अपलोड करते हुए इसका रिव्यू अच्छी तरह करें। उसके अलावा एज रिस्ट्रिक्शंस की ऑप्शन जो यूट्यूब देता है, यूट्यूब की एज रिस्ट्रिक्शन की जो ऑप्शन है उसको ऑन कर दें अगर आपकी ऐसी कोई वीडियो है, ताकि आप कम्युनिटी स्ट्राइक से बच सकें। इसके अलावा इन कम्युनिटी गाइडलाइंस की वार्निंग पे YouTube आपको ईमेल भी करता है और आपको अपील करने की भी इजाज़त देता है कि अगर आपने मिस्टेकली या आप कहते हैं ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं आती, तो आप उसके ऊपर अपील कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो वो जायज़ है और आप कहते हैं कि ये इसमें कोई वायलेंस नहीं है या ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं आती, तो उसका भी पूरा प्रोसीजर YouTube बताता है कि आप अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप YouTube के ब्लॉग्स, उनकी वीडियोस, उनके क्रिएटर्स की वीडियोस और उनकी हेल्प सेंटर पर जाके आप मज़ीद इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिससे आपको मज़ीद मालूमात मिलेंगी कि कैसे आप अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं क्या, इनसे इनकी स्ट्राइक से आप बच कैसे सकते हैं। पहली वीडियो यहीं कम्युनिटी गाइडलाइंस के रूल्स पॉलिसीज पर ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो कॉपीराइट्स और यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम्स के ऊपर बनाई जाएगी। तब तक के लिए